जब आप पेपर देने जाते हो तो वहां पर पेपर कैसे देते मैं, मैंने सोचा नहीं था कैलकुलेट नहीं कर सकता उसके बावजूद ये बच्चा 96.33 सिक्स पॉइंट लेकर आया आपने इंडिया का सबसे बड़ा इवन वर्ल्ड का सबसे बड़ा सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहता हूँ सर अब खेल कूद की बात की तो लाइक बहुत ही ज्यादा मतलब सैड uh, चीज आपने पूछी है मुझसे बिकॉज इस चीज को सर मैंने बहुत टाइम तक फेस किया है मेरी फैमिली वालों ने सर मुझे कभी भी बचपन से लेके आज तक ये रियलाइज नहीं होने दिया मतलब अपने बिहेवियर से या अपने बातों से कि मैं देख नहीं सकता या मैं डिसेबल हूं आज हमारे साथ भारत की सबसे बड़ी इंस्पिरेशनल स्टोरी है एक ऐसा बच्चा जो देख नहीं सकता जिसकी जिंदगी में कमियां ही कमियां हैं पर उसने इन कमियों को अपनी मजबूरी नहीं बनने दिया हां बात हो रही है लक्ष्मण की जो देख नहीं सकता पर जेई जैसे एग्जाम में जो वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम माना जाता है उसने साढ़े तेरह लाख से ज्यादा बच्चों को पछाड़ा और लेकर आया 96.3 सिक्स पॉइंट थ्री आप सोचकर देखिए एक ऐसा एग्जाम जिसमें ग्राफ आते हैं बड़े बड़े क्वेश्चन आते हैं जिसमें देखने के आप सोच भी नहीं सकते कि बिना देखे कोई क्वेश्चन कैसे सॉल्व कर सकता है उसने उस एग्जाम को क्रैक किया और सब एक बात एग्जाम की नहीं है जिंदगी में जिसको भी ऐसा लगता है कि बहुत कमियां हैं अभाव है चीजों का यह वीडियो आज उनको अंदर से झकझोर कर रख देगा और एक नया सोचने का एक तरीका देगा पूरे भारत को कि अगर आपके अंदर एक चाह है कुछ करने की कुछ बनने की तो दुनिया की कोई ताकत आपको नहीं रोक सकती तो हेलो लक्ष्मण कैसे हो आप जी थैंक यू सर आ, मैं बहुत अच्छा हूँ अच्छा कि मैं मतलब कर पाया लाइफ में और मैं मैंने सोचा नहीं था एक्चुअली कि मैं जेम में इतना अच्छा कर जाऊंगा मेरा तो मेन मोटिव था कि मैं एडवांस एग्जाम बैठू और मैं वो एक्सपीरियंस लू, लू लाइफ में लड़ने का बट अगेन वैसा है कि हम मेहनत करते हैं किसी और चीज के लिए आई I मीन mean, उतना ऊपर तक हम नहीं सोचते बट हमें मेहनत का फल कहीं ना कहीं मिल जाता है लाइफ में तो आज अपन आपकी पूरी जर्नी के बारे में बात करेंगे आपके बर्थ से लेकर अभी तक जो भी आपकी लाइफ में हुआ है आपने कैसे किया है मुझे आपकी एक चीज बहुत अच्छी लगती है कि पता है लोगों के साथ थोड़ा भी कुछ हो जाता है ना तो वो एक बड़ी सेल्फ पिटी सिंपे वाली स्टेट में पहुंच जाते हैं कि यार भगवान ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया मेरी किस्मत खराब है ये एक बड़ा जुमला है जो चलता है पर मैं जितनी भी बार इस बच्चे से मिला काफी बार मिल लिया अब तो पहले फोन पर भी कभी बात हुई पहले भी इसकी स्टोरी हम जानते थे अच्छा मैं ये बता दूं कि अपने ब्रह्मोस कोर्स के बच्चे हैं जिन्होंने दो साल तक घर बैठकर ऑनलाइन तैयारी करी फिर जेई मेन्स टू देने के बाद ये गुरुकुल में आकर एक महीना डेढ़ महीना आपने ऑफलाइन तैयारी करी थी फिर गुरुकुल में है ना आपकी बर्थ कहां हुई थी कब हुआ है कहां पर कौन से शहर में आप पैदा हुए? सर uh, वैसे बिलोंग मैं बिहार से करता हूँ मैं बिहारी हूँ बट अच्छा? जो मेरी फैमिली है वो गुवाहाटी आसाम में रहती है okay. तो मैं गुवाहाटी सिटी में, में मेरा बर्थ हुआ है और uh, मेरी फैमिली वहीं पर रही है इवन मैंने अपनी टेंथ तक की जो स्कूलिंग है वही मैंने वहीं से uh, किया है कि आपके परिवार में कितने लोग हैं बेटा सर मेरे परिवार में पहले सिक्स लोग थे हाँ। मेरे सिक्स मेंबर्स थे पहला तो मेरी मम्मी पापा और मेरी दीदी बड़ी दीदी और मेरे बड़े भैया और मेरे दाजी थे बट वो 2021 में एक्सपायर कर गए ओके तो अभी जो है वो मम्मी पापा आप बड़े भैया और बड़ी दीदी हाँ अच्छा तो आपने अपनी टेंथ तक की स्कूलिंग गुवाहाटी में करी जी सर अच्छा तो जब आपके आप ये जो देख नहीं सकते ये बचपन से ही ऐसा है जी ये बर्थ से, से ऐसा है, है। जन्म से, से ऐसा है जी सर जन्म से जन्म से ऐसा है जी सर तो आपका बचपन कैसे बीता कितना क्या स्ट्रगल रहा आपने मैनेज कैसे किया और ये जो एटीट्यूड आज आपने अपनी जिंदगी में डेवलप किया है जो नेवर से मतलब वो जो होता है ना मतलब कि हम किसी भी चीज से हार नहीं मानेंगे हम किसी भी चीज से घबराएंगे नहीं और हम अपनी मेहनत करते रहेंगे और इतना हौसला इतना जज्बा कैसे आया थोड़ा सा बताओ बचपन के कुछ इंसिडेंट्स ऐसे हुए हों सर एक्चुअली अगर मैं बात बोलूँ जज्बे की तो ऐसा कुछ मेरे साथ मतलब ऐसा एक इंसिडेंट तो नहीं हुआ मेरे लाइफ में जो नॉर्मल लोगों के साथ होता है कि एक इंसिडेंट हुआ और वो बदल गए और ऐसा ऐसा कुछ मेरे साथ नहीं हुआ मेरे साथ तो बेसिकली बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट हुए हैं जो हर बार मेरे दिल पे चोट पहुंचाते आए हैं तो शायद मैं उन्हीं की वजह से आज इतना मजबूत बन पाया तो मजबूती मेरी शायद वहाँ से आई हो बट जै जैसे एग्जाम में लड़ने का जो सपना है और मतलब किसी भी चीज से हार ना मानने का जो सबसे बड़ा जो रीजन है वो ये है सर कि मुझे सर मेरा ड्रीम है मेरा बहुत पसंद है मुझे कोडिंग करना मैं एक अपने इंडिया का सबसे बड़ा वर्ल्ड का सबसे बड़ा सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहता हूँ और हाँ अब ये बात सुनती बहुत लोग रहे कि मैं कैसे कोडिंग कर सकता हूँ बट अगेन मैं कोडिंग कर सकता हूँ कोई बड़ी बात नहीं है बहुत लोग करते हैं मैं भी कर सकता हूँ कोडिंग और मैं करता भी हूँ तो आपके जैसे आप बचपन में जब छोटे थे तो अब नॉर्मल बच्चों की तरह तो लाइफ निकलती नहीं है ऐसे केसेस में है ना जी सर नहीं निकलती तो आपके मम्मी पापा ने आपको कैसे रेज किया क्योंकि आपके भाई और बहन वो तो नॉर्मल बच्चे हैं शायद जी सर तो आपके घर में कैसा माहौल था जब आप पैदा हुए क्योंकि अभी एक मूवी आई है श्रीकांत अगर आपने उसके बारे में सुना हो जी सर वो भी हमारे एक इंडस्ट्रियलिस्ट है वो भी बचपन से नहीं देख पाते थे तो लोगों को उनकी जिंदगी उनकी कहानी के बारे में पता है तो आपका कैसा जैसे हम बात करें आप स्कूल जाते थे तो आप नॉर्मल स्कूल जाते थे कि स्पेशल स्कूल जाते थे आ, नहीं सर एक्चुअली actually... मैं स्पेशल स्कूल जाता था तक टा हाँ, टेंथ तक तो मैं स्पेशल स्कूल जाता था ठीक है इवन इस बात पे बहुत ज्यादा लड़ाई भी हुई थी में जब आया था तो मैं हाँ। मेरी फैमिली के साथ हाँ। कि मुझे नॉर्मल इवन सिक्स सेवन तो मैं बहुत लेट बोलता हूँ जब मैं एडमिशन भी हो रहा था तो मेरे पेरेंट्स मुझे ऐसे स्कूल में डाले थे ब्लाइंड स्कूल में हाँ। बट मेरा मेरा शुरू से ही मन था कि मैं नॉर्मल बच्चों के साथ पढ़ू और सिक्स सेवन में तो इसके ऊपर जो इन्वायरमेंट आप लोग मुझे दे पा रहे हो और जो बड़े शहरों में है, वो वहां पे सर नहीं था एक्सपोजर अच्छा, इतना नहीं था नहीं सर मैं स्कूल की बात नहीं कर रहा मैं सिटी की बात कर अच्छा, रहा हूँ सिटी की बात कि कि कर वहां कर पे लोगों की मैंटेलिटी इतनी अच्छी नहीं थी कि हम जैसे बच्चों को नॉर्मल स्कूल में पढ़ने की फैसिलिटी दे या अपॉर्चुनिटी दे तो आप एक नॉर्मल बच्चे की तरह खेल नहीं पाते कई बाहर ज्यादा घूमने नहीं जा पाते उसको लेकर मन में कैसा लगता है बता आप उन चीजों से कोप कैसे करते मेरा इसका मेन पूछने का कारण यह है कि देखो बहुत सारे लोग और इसे बच्चों की बात नहीं है ये तो वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए भी है पचास साल के आदमी के लिए भी है कि आजकल क्या होता है कि हमें अगर कुछ चीज मिलती नहीं है ना तो हम उसका बहाना बनाकर और जीवन की सारी जो कमियां है ना उस बहाने के पीछे ढक लेते हैं आपने इसको कैसे ओवरकम किया सर uh, अब खेल कूद की बात की तो लाइक like, uh, बहुत ही ज्यादा मतलब सैड uh, चीज आपने पूछी है मुझसे बिकॉज इस चीज को सर मैंने बहुत टाइम तक फेस किया है मतलब जो मैं आज आपको दिखता हूँ कि लाइक like, जहाँ आप बैठा देते हो तो मैं वहां शांति से बैठ जाता हूँ और जो बोलते हो मैं मान लेता हूँ इवन ज्यादा बाहर घूमता फिरता नहीं मैं एक्चुअली ऐसा बच्चा नहीं था सर शुरू से अच्छा मतलब मैं बहुत ही ज्यादा खेल मतलब शरारती तो कह सकते हो बहुत अपने पेरेंट्स को मैंने बचपन में बट एक चीज थी कि मतलब मुझे खेलना कूदना जितना खिला लो मुझे दिन भर मतलब मुझे कोई थकान नहीं होती तो मैं बहुत अच्छा मतलब खेल कूद मुझे बहुत पसंद था सर आपने खेलने कूदने की बात की तो मैं बताना चाहता हूं कि जैसे शुरू शुरू में सर ऐसा होता है कि छोटे बच्चे खेलते ही क्या है सर पकड़म पकड़ाई लुका छुपी यही खेलते हैं तो बचपन में मुझे थोड़ा दिखता था तो कोई इंसान खड़ा है तो वो चीज में आइडेंटिफाई कर लेता था तो ऐसे करके मैं नॉर्मल बातचीत करना पकड़ा पकड़ खेलना तो मेरा चल जाता था बट जब लुका छुपी की बात आई तो मुझे लोग ढूंढ लेते थे मैं लेकिन लोगों को नहीं ढूंढ पाता था बट फिर भी मैं ट्राई करता था कि आवाज से पैर के आहट से वो चीज कर लू तो ऐसे करते करते फिर उसके बाद जब मैं थोड़ा और बड़ा हुआ तो बाकी बच्चे क्रिकेट खेलने लगे मेरे बैच के मेरे ग्रुप के तो फिर उसके बाद मैंने भी क्रिकेट लेकिन सर क्योंकि मैं बॉल देख नहीं पाता था तो मैं खेल नहीं पाता था तो मुझे मतलब बैट मिलता तो था बट एक ही बॉल में आउट हो जाता था मैं और उसके बाद क्या कहते हैं और मैं जब बॉलिंग करता था तो मैं उनकी सुन के उस तरफ बॉल फेंकता था तो फिर उस तरीके से वो बैटिंग तो ऐसे करते करते फिर मतलब सिर्फ बॉलिंग करते रहता वो बैटिंग करते रहते सारे मतलब सारे के सारे मजे वो करते रहते फिर उसके बाद उसके बाद कुछ टाइम बाद ऐसा हुआ कि सर जैसे कि अगर मैं उनके साथ खेलना चाहता हूँ मैं पापा में मेरे लिए मार्केट से बॉल वगैरह खरीद के लाए तो मेरा बॉल लेके वो खेलते थे लेकिन मैं नहीं खेल पाता क्योंकि मैं उनसे बॉल छीन नहीं पाता था ये सही चीजें तो ऐसे करते करते सर मुझे लास्ट में एहसास हो गया कि मैं इन लोगों की तरह नहीं जी सकता मैं इन लोगों की तरह नहीं बना हूं और मतलब रोज में शाम को खेलने जाता इस इस खुशी पाने जाता मैं शाम को क्योंकि मुझे खेलना बहुत पसंद था तो मैं शाम को रोज इस मकसद से जाता कि मैं खुशी पाऊंगा बट लेके हमेशा दुखी अपने पास आता था सर और ऐसा करते करने के बाद फिर एट दी एंड धीरे धीरे क्या कहते मैंने उन फ्रेंड से अपनी फ्रेंडशिप थोड़ी तोड़ी घर बैठना शुरू किया और उसके बाद फिर उस उस मोमेंट के बाद से सर मेरे लाइफ में जो है वो लैपटॉप कंप्यूटर से मेरा जो अटैचमेंट धीरे धीरे बढ़ना वो आपका दोस्त बन गया फिर हाँ वो आपका वो मेरे दोस्त बन गए और लैपटॉप कंप्यूटर और फिर ऐसे करते करते मुझे लगा कि यार जब मैं घर में बैठ के खुशी पा सकता हूँ अपने लाइफ में तो मुझे क्या जरूरत है बाहर इस तरीके से स्ट्रगल करने की और फिर मैंने सोचा कि अब रूम में बैठ के दुनिया ही लाऊंगा <laughs> इसमें एक बहुत बड़ा रोल आपके पेरेंट्स का भी रहा होगा क्योंकि आप जिस तरह के बच्चे हो आज पूरे देश के लिए इंस्पिरेशन हो तो मेरे को थोड़ा सा अपने पेरेंट्स के बारे में भी बताओ कि वो आपको क्या बोलते हैं जब धीरे धीरे आपकी विजन जा रही थी तो उन्होंने आपको किस तरह से सपोर्ट किया क्योंकि मेरे को अभी भी याद है जब आदित्य सर जब आप कोटा आ रहे थे तो मैंने आदित्य सर से यह पूछा था कि इसके पापा मम्मी कौन आ रहा है साथ में तो उन्होंने मुझसे बोला कि ये तो अकेला ही आ रहा है तो आई वो शॉक यार लक्ष्मण अकेला कैसे आ रहा है उसको कौन लेने आएगा तो आपके पापा ने उनसे एक बात बोली थी कि उसको किसी सहारे की दुनिया में कोई जरूरत नहीं है आप उसको कभी ऐसे ट्रीट मत करना कि उसके पास कोई कमी है या उसके पास किसी सहारे की कमी है या उसको किसी चीज की जरूरत है वो सेल्फ सफिशियंट है वो ट्रेन में भी आ जाएगा वो आपके घर तक भी पहुंच जाएगा आप बस उसको ये बता देना कहां पहुंचना है और मैं सही बता रहा हूं वो मेरे लिए एक लाइफ चेंजिंग मोमेंट था तो आपके पेरेंट्स के बारे में बताओ आप कैसे उन्होंने आपकी अपब्रिंगिंग करी क्योंकि जो आप हो उसमें मेरे को पक्का पता है कि काफी रोल उनका भी होगा भैया दीदी का भी होगा आप सर एक चीज मैं अपनी फैमिली को मतलब फैमिली वालों के बारे में बोलना चाहूंगा कि मेरी फैमिली वालों ने सर मुझे कभी भी बचपन से लेके आज तक ये रियलाइज नहीं होने दिया मतलब अपने बिहेवियर से या अपने बातों से कि मैं देख नहीं सकता या मैं डिसेबल हूं तो ये एक चीज हालांकि इसके नेगेटिव और पॉजिटिव पॉइंट दोनों ही है पॉजिटिव पॉइंट ये है कि मैं कभी डिप्रेस नहीं हो पाया और मुझे हमेशा लग क्योंकि मुझे लगता रहा कि मैं लाइफ में नॉर्मल लोगों की तरह सब कुछ कर सकता हूँ तो इसी वजह से मैंने उस उनकी मतलब उनकी तरह ही बाकी बच्चों की तरह ही मैंने पढ़ाई लिखाई हर चीज पर उतना ही ध्यान दिया जितना एक नॉर्मल बच्चा देता आपने है आपने अपने सपने छोटे नहीं करे सपने छोटे नहीं किया जरा से भी छोटा नहीं करा तो चलो अब आप में आ गए है ना जी सर अब कौन सा ऐसा आपके अंदर ख्याल आया कि यार मैं जेई कर लेता तो। कब डिसाइड किया था आपने जेई करने का सर यहाँ पे एक बहुत बड़ा वो एक्चुअली लॉकडाउन कर रहा है जब मैं नाइन्थ में आया था मुझे पहले बस कंप्यूटर से ही लगाव था कंप्यूटर चलाना कंप्यूटर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कुछ बना लेना डॉक्यूमेंट क्रिएट करना मेरे लिए वही बहुत बड़ी बात होती थी बट जब मैं नाइन्थ क्लास uh, में आया नाइन्थ क्लास में जब मैं आया तो लॉकडाउन लगा लॉकडाउन लगने के बाद फिर उसके बाद मेरे पास कुछ था नहीं पढ़ाई तो बंद हो ही गई थी तो मेरा था कि सब कुछ time, कुछ फ्री टाइम करने को है नहीं तो फिर उसके बाद धीरे धीरे क्या कहते मैंने एच uh, टी एम एल सीखना शुरू किया अच्छा क्योंकि मैंने सुना था कि एच टी एमएल सबसे बेसिक लैंग्वेज है तो मैंने एच टी एमएल सीखना शुरू किया तो उसमें धीरे धीरे हेडिंग्स लिस्ट बनाना शुरू किया वेब पेजेस बनाने शुरू करे और फिर उसके बाद सी एस एस फिर उसके बाद मैंने एक कोर्स भी ज्वाइन किया तो जिसमें मुझे से मैं तक सब कुछ तो मैं एक फुल्पर भी हूँ मतलब आपने जितना भी सीखा हाँ ये सब आपने ऑडियो फॉर्मेट में करा हाँ सुन के सर तो अब आपने चलो कोडिंग करना शुरू कर दिया ऐसे आपकी नाइन टेंथ भी थी फिर टेंथ खत्म हो गई अब क्या तो सर जब टेंथ पे पहुंचा तो उसके बाद मेरा ये था कोडिंग वोडिंग सीख लिया फिर मैंने इस चीज पे रिसर्च अपनी चालू कर दी कि मजा तो बहुत आ रहा है कोडिंग करके मतलब बारह पंद्रह सोलह घंटे कोडिंग कर रहा हूं इतने अच्छे अच्छे ऐप्स बना रहा हूँ सॉफ्टवेयर बना रहा हूँ मतलब फीचर्स डेवलप कर रहा हूँ और छोटे छोटे चीजें करके बहुत खुशी होती थी मुझे तो मजा तो बहुत आ रहा है क्या ऐसा लाइफ में कर सकता हूँ ऐसा कौन सा करियर ऑप्शन चूज कर सकता हूँ क्योंकि सर मुझे अपने करियर की चिंता शुरू से ही रही है तो जब मैंने करियर ऑप्शंस चूज किए देखा तो मुझे पता चला कि अगर मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन जाऊं लाइफ में तो ये चीज ही मेरा काम होगा यही मेरा ये मेरा पैशन ही मेरा वर्क होगा मेरी जॉब होगी तो फिर उसके बाद मैंने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कैसे करते हैं क्या डिग्री होती है हाँ तब जाए क्या कहते हैं मुझे पता चला कि अच्छा बीटेक नाम की एक डिग्री होती है हाँ। जिसमें सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग ब्रांच होती है हाँ। वो अगर मैं कर लेता हूँ तो फिर मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर कहलाऊंगा तो फिर आपने बीटेक करने की सोचा तो फिर बीटेक करने का सोचा तो ऑब्वियस सी बात है फिर तो जय सबसे बेस्ट ऑप्शन है उसमें तो उसके बाद फिर बेस्ट ऑप्शन कौन सा इंडिया में बेस्ट कॉलेज कौन सा है तो आई है तो ऐसा हुआ अब अब यहाँ पे सर एक लाइफ चेंजिंग चीज ये थी कि जब मैं इलेवंथ में आया तो इलेवेंथ में आने के बाद आ, कुछ आईआईटी के लोगों से मेरी मुलाकात हुई क्योंकि मैंने जहां से पढ़ाई की वहां पे सामने में आईआईटी दिल्ली का कॉलेज है अच्छा तो, इलेवन टूल में जिस स्कूल में आप थे हाँ, ओके तो जब वहां के लोगों से मुलाकात हुई सर तो वहां पे मुझे ये चीज आई करना है क्योंकि कॉलेज अच्छा है मैंने हाँ। इसीलिए चूज किया था हाँ। बट जब सर मैं वहां के लोगों से मिला ना तो वहां के लोगों के माइंड देखकर वहां की जो सोसाइटी है वो देखकर मुझे ऐसा फील हुआ ऐसा प्यार सा हो गया कि अब ज्वाइन तो अपने को यही सोसाइटी है मुझे अब ये नॉर्मल सोसाइटी में नहीं रहना जहां पे हर दूसरे शब्द में ये निकलता है कि तुम तो ये नहीं कर सकते तुम तो वो नहीं कर सकते आईआईटी के लोगों के लिए सर मैं सब कुछ कर सकता हूँ आपके लिए भी मैं सब कुछ कर सकता हूँ तो जितने भी लोग आई आई टी से उनके लिए कुछ भी इम्पोसिबल नहीं हो मुझे ऐसी ही लाइफ जीनी है तो ये चीज है

वो या जो रीजन है आई को चूज करने का वो रीजन मेरा भले ही चेंज हो गया बट आई अच्छा है और मुझे करना चाहिए इस का एहसास तो मुझे टेंस ही हो गया था हाँ। तो जब टेंथ के एग्जाम खत्म हुए तो बात हुई है कि अब अब एग्जाम खत्म हो गया फटाफट फटाफट फटा, फटा, मुझे कहीं से कोचिंग चाहिए कोचिंग चाहिए हाँ। तो मैंने बहुत सारी कोचिंग में अप्लाई किया कहीं से रिस्पॉन्स नहीं आता कहीं से मना कर देते है तो ये सिचुएशन थी तो उसके बाद फिर मैंने आप लोगों का फॉर्म फिलअप किया मेरी तो उम्मीद ये भी थी कि सर मतलब कोई रिस्पांस नहीं वाला आने वाला आप लोग की तरफ से या आप लोग अगर मुझे कॉल भी करोगे तो जैसे ही आप सुनोगे मैं देख नहीं सकता तो आप लोग मना कर दोगे तो क्योंकि वो है ना सर कि जो चीज जो आपको आ, आ, एक, आपने आई आई टी के बच्चे पढ़ाया आपने एक रैंक दिलवाई किसी बच्चे को तो वो काम जो आपको सिंपली हो सकता है उस चीज को आप कॉम्प्लेक्स क्यों बनाओगे तो हर कोचिंग यही समझता है तो इसीलिए क्या कहते हैं मुझे नहीं लेते हैं क्योंकि मुझे पढ़ाना एक कॉम्प्लेक्स चीज है सर। तो इस वजह से फिर तो उसके बाद क्या हुआ कि आ, आप लोगों की तरफ से कॉल आया शिजास्तर का कॉल आया था उसके बाद फिर जब कॉल आया तो उन्होंने बोला कि आपने अप्लाई किया था आप ज्वाइन करना चाहते मैंने बोला हाँ मैं ज्वाइन करना चाहता हूँ सारी बातें हुई तब मैंने अपना क्या कहते हैं असली बात बोली कि सर मैं वैसे एक बात बोलना चाहता हूँ सर मैं देख नहीं सकता तो बोले अच्छा अच्छा देख नहीं सकते तो मैंने बोला हाँ सर देख नहीं सकता मैं तो देख नहीं सकता तो आप लोग पढ़ाओगे क्योंकि मैं इसलिए पूछा था क्योंकि मेरा था कि जब पता चले कि नहीं देख सकते तो मना कर देंगे तो मना ही तो कर, कर, देंगे। कर देंगे तो उन्होंने बोला कि बेटा एक काम करता हूँ देखो मुझे कोई दिक्कत नहीं बट मैं एक बार कंफर्म करके बताता हूँ टीम से तो जब कंफर्म किया तो उसके बाद फिर आप लोगों ने मुझे अलाउ कर दिया अलाउ करने के बाद लेकिन आप लोगों की जो कोर्स की जो फीस थी वो मैं दे नहीं पा रहा था तो पापा ने बात किया कि फीस तो हमारे पास है नहीं अगर मैं दूं भी तो बताइए कि क्या मैं आ, मतलब ऐसे बेस पे दे सकता हूं। तो उसके बाद फिर सर ने बोला कि ऐसे करिए ऐसे करिए फिर आप लोगों ने मुझे आ, सम्मान संघर्ष स्कॉलरशिप आपने प्रोवाइड कराया और मैंने फिर मुझे ब्रह्मोस बैच मिल गया तो जब मैंने ब्रह्मोस बैच लिया तो आपके वीडियो लेक्चर देख के मुझे सब समझ में आता एक आप लोगों के लेक्चर में मुझे चीज आज तक Uh, बहुत अच्छी लगी बट समझ में नहीं आया कि आप लोगों के मन में यह ख्याल कैसे आया मैंने पूछा भी था यहाँ वीडियोस है या जितने भी अदर कोचिंग के लेक्चर्स है वहां पे वो बोर्ड पे लिखते हैं और वो बोलते हैं कि यहाँ पे मैंने ये लिखा है वहां पे मैंने ये लिखा है इस इक्वेजन में ये वैल्यू पुट कर दी बट आप लोग अपने लेक्चर में और डिस्क्रिप्शन देते हो हर चीज का डिस्क्रिप्शन देते हो जबकि आप लोगों ने अपने लेक्चर मुझ जैसे बच्चे के लिए तो बनाए नहीं थे आप लोगों ने तो अपने लेक्चर नॉर्मल लोगों के लिए बना और जिसको सारी चीज दिख रही है उसको इतना बताने की क्या जरूरत है बट आप उनके लिए भी बताते थे तो इस चीज का बेनिफिट मुझे मिला क्योंकि सर आप लोग बोलते हो अपनी वीडियोज में अपने एड में या अपने शॉर्ट्स में या अपने पेज में कि हमारे वीडियो लेक्चर में एनिमेशन है ये है वो है बट सर मुझे एनिमेशन से क्या मतलब है मुझे तो ऑडियो डिस्क्रिप्शन से मतलब है तो आप लोगों ने उसकी भी कोई कमी नहीं छोड़ी थी अपने लेक्चर में तो मैंने फिर लेक्चर देखा और उसके बाद मुझे बहुत सारी चीजें समझ नहीं तो अब मैं इसमें थोड़ा सा को रोकता हूं क्योंकि ये जसे? बहुत जो भी आपके दो तीन वीडियो गए ना उसमें सबसे ज्यादा कमेंट ये है कि यार ये भाई पढ़ता कैसे इसको तो दिखता ही नहीं है तो बच्चे बड़ा ना इस बारे में बहुत क्यूरियस है कि यार ये ये भाई एक्चुअली में पढ़ता कैसे तो आप कैसे जैसे आपने लेक्चर चला लिया आप लेक्चर सुन रहे हो फिर उसके बाद आगे की जर्नी कैसी रहती थी अब सर ऐसा है कि जेई में सबसे पहला जो स्टेज होता है वो यही होता है कि आप लेक्चर देख के कॉन्सेप्ट सीखो तो लेक्चर देख के मैंने कॉन्सेप्ट सीख लिया अब ऑब्वियसली लेकिन लेक्चर में जो एग्जाम्पल्स होते थे वो मैं नहीं कर पाता था क्योंकि मुझे नहीं पता था कि वो क्वेश्चन uh, क्या डिस्प्ले हो रहा है हाँ। तो वो स्किप करता था मैं ठीक है उस टाइम में मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था हाँ। तो मैं स्किप करता था और उसके बाद फिर जो डीपीपी और टेस्ट है इस चीज में सर में हमेशा ही रह जाता था तो मुझे चीज रियलाइज हो गया कि जो नॉर्मल बच्चे कर रहे हैं इस दुनिया में घर बैठ के पढ़ाई वो मेरे ऊपर लागू नहीं होती है ठीक है तो मुझे कुछ और ऑप्शन चूज करना पड़ेगा तो मैंने उसके बाद फिर इस सर का लेक्चर मैंने कंटिन्यू देखा लेकिन मैंने फिर स्कूलिंग के लिए अप्लाई किया दिल्ली में और मैंने और रिसर्च की तो मुझे पता चला कि हमारे दैली में एक एनजीओ है नेशनल एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड तो वहां पे ब्लाइंड बच्चों को पढ़ाने पढ़ा, पढ़ाने को मिलता है मतलब पढ़ने को मिलता है ब्लाइंड बच्चों को और वहां पे ऐसा ऐसा सिस्टम है कि वहां पे हॉस्टल में बच्चे रहते हैं हॉस्टल प्रोवाइड करते हैं और नॉर्मल स्कूल्स में बच्चों को भेज के ब्लाइंड बच्चों को भेज के और पढ़ने को देते हैं तो फिर वहां पे मैं गया अपनी पढ़ाई की फिर समझने के लिए जो क्लास में जो पढ़ा है उस को समझने के लिए फिर मैं ई सर्ट के लेक्चर देखता था फिर ई सर के लेक्चर में भी जो चीज नहीं समझ में आ पाती थी क्योंकि कुछ चीजें तो सर सुन के नहीं समझ में आ सकती बात है तो फिर अगले दिन स्कूल में जाता था और किसी टीचर को पकड़ के या किसी बच्चे को पढ़ के समझाओ यार ये नहीं समझ में आया हाँ। वैसे करके फिर अपना डाउट तो ऐसे एक डॉट स्कूल में बना एक हाँ। डॉट घर पे आके बना फिर एक डॉट किसी से बच्चे से पूछ के बना फिर कुछ डॉट क्या कहते बने आई दिल्ली से कुछ बच्चे आ जाते थे हम जैसे बच्चों को हेल्प करने के लिए पढ़ाने अच्छा? के लिए हाँ। क्या बात कर रहा है आई दिल्ली से तुम्हारी हाँ एनजीओ में बच्चे आते थे हाँ जी सर स्टूडेंट्स आते थे एक्चुअली आई दिल्ली का एक प्रोग्राम है हाँ। उस प्रोग्राम में क्या होता है की आई दिल्ली के जो बच्चे है उनको अकाडमीज के अलावा और किसी करिकुलम एक्टिविटी में वर्क कर एन एस एस एन एनएसएस एस हाँ उसी में था फर्स्ट ईयर में जी सर तो वहाँ पे स्पोर्ट्स या तो क्या करना होता है या तो किसी बच्चे को पढ़ाना होता है वो बच्चे होते हैं जो होते हैं वो सी डब्ल्यू एस होते हैं चाइल्ड विथ स्पेशल नीड हाँ तो वैसे वाले जो बच्चे होते हैं तो उनको पढ़ाने के तो वो बच्चे हमारे एनजीओ में आके पढ़ाते हैं पूरी तो दिल्ली तो में हम, हमारा ही एनजीओ है जो तो मैं भी बताए बॉम्बे के स्लम्स में जाता था पढ़ाने एन के अंडर ही और मुझे भी ये जो एजुकेशन में भारत के लिए कुछ करना ना ये कीड़ा वहीं से लगा था जी सर तो मतलब आई का यार रोल तो होता है बहुत रोल होता है बहुत रोल होता है तो आई मचाते हैं

तो हम जैसे बच्चों को ऑल इंडिया में साइंस मैथ जैसी जो चीज है ना वो एक्चुअली में माना माना यह जाता है कि बिना देखे तो हम कर नहीं सकते क्योंकि वहां पे केमिस्ट्री हो फिजिक्स हो मैथमेटिक्स हो हर एक अपना बॉडी पार्ट एक्टिव रहता है चीजों को एनालाइज करने के लिए सब कुछ करने उसमें से एक बॉडी पार्ट अगर चला गया तो अपने मतलब पावर खो दी पावर तो खो दी बट मेरा एक चीज नहीं समझ आता कि पावर खोई तो कितनी खोई टेन ट्वेंटी परसेंट थर्टी परसेंट तक ही खोई ना बाकी तो पावर उसका यूटिलाइज करो लेकिन लोग उसका उस चीज को नहीं समझते और हमारे इंडिया में जो है वो विजुअली इम्पेक्ट बच्चों को साइंस और मैथ्स पढ़ने को ही नहीं देते हैं हाँ, हाँ, हाँ. या अगर पढ़ाते भी हैं तो बस पास करा दो हुँ. लेकिन कुछ समझाना नहीं है हुँ. क्योंकि कुछ समझ ही नहीं सकता वो बच्चा हुँ. पहले से ये एक धारणा बना के रख रखी है हाँ. कि भाई इसको दिखता नहीं है तो ये समझ नहीं सकता समझ नहीं सकता और आप मानिए सर कि अगर एवरेज या बिलो एवरेज बच्चों को अगर कुछ नहीं समझाया जाता ये मान लो कि वो समझ ही नहीं सकता उसका अंदर दिमाग ही नहीं है तो फिर हम जैसे बच्चों को तो कितना इग्नोर किया जाता होगा सही बात है तो इलेवेंथ में आने के बाद सर जब आई के जब पहली बार जब आए थे वॉलंटियर्स हाँ। बच्चे जब आए थे तो उन्होंने तो मैंने पहले ही बोला था सर को मतलब मैं, मैं सर ही बोलता हूँ जो हाँ, मुझे पढ़ाते हाँ। थे तो मैंने उनको बोला था कि आ, मुझे कुछ भी नहीं आता तो मैं क्या करूं लेकिन मैं पढ़ना चाहता हूँ चाहे ना आए कुछ भी लेकिन पढ़ना चाहता हूँ मैं तो उसके बाद फिर एक हमारे थे आई दिल्ली के सागर भैया वो आई एम कर रहे थे सिविल इंजीनियरिंग में तो उन्होंने मुझे धीरे धीरे बोला कि कोई बात नहीं हम चलो आज ऐसे कुछ ट्राई करते हैं आ, फिर उन्होंने मुझे नाइन्थेंथ की या सेवेंथ एट की जो बेसिक जो बेसिक लीनियर इक्वेशन होती है आ, वो पढ़ाई वो समझाया आ, और समझाया भी उनके समझने का तरीका कभी चैप्टर वाइज नहीं था कभी टॉपिक वाइज नहीं था वो मुझे रियल लाइफ प्रॉब्लम देते थे मुझे वो करने के बाद आया यार सही चीज है मैथमेटिक्स तो रियल लाइफ प्रॉब्लम सोल्व हो रही है ऐसे करते करते फिर उन्होंने मुझे मेरा मैथमेटिक्स इतना इम्प्रूव कर दिया और सर ऐसा है कि जो एनएसएस में लोग होते हैं उनका एक टाइम पीरियड होता है आ, कि टाइम कि आप करोगे उसके बाद फिर आप अपने बट वो अपने और उन्होंने मेरी इस लेवल तक कर दी सर कि मतलब मैं अब यूट्यूब से देख के सिंपल बुक पढ़ के भी क्या कहते हैं मैथमेटिक्स कर लेता तुमने क्वेश्चन प्रैक्टिस कब से करी जयी की कुछ क्वेश्चन तो मजाक थोड़ी ना काफी अच्छे एक सौ नंबर आए होंगे तेरे पेपर में सर एक्चुअली क्या है कि जब इलेवेंथ uh, uh, मेरी हालत सर इतनी बुरी थी कि ज, uh, मैं इलेवेंथ के स्कूलिंग में सर मैथमेटिक्स फिजिक्स जितने भी पीसीएम का सब्जेक्ट होते हैं इंग्लिश और कंप्यूटर साइंस इवन फर्स्ट अपने यूटी में तो सर मैं इंग्लिश में ही फेल हो गया था <laughs> आप पीसीएम की बात तो ही तो <laughs> तो उसके बाद फिर लेकिन उसके बाद फिर इंग्लिश में तो कभी फेल नहीं हुआ हाँ, तो इंग्लिश और कंप्यूटर साइंस को छोड़ के फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स में तो मैं लगातार फेल हुआ हूँ और फाइनल एग्जाम तक तो मैं फिजिक्स केमिस्ट्री में तो पास भी हो गया हाँ, बट मैथमेटिक्स में तो सर उसके बाद भी मतलब फाइनल एग्जाम में फेल ही हो गया था अच्छा। और उसके बाद फिर आ, क्या है कि ट्वेल्थ में भी मैं फेल ही हुआ फिर के के हाफ के बाद से एक एक होता है ना सर की जो एक आपकी जो रिजल्ट उसका जो ग्राफ होता है वो बहुत स्लो रहता है सर आप हार्डवर्क बहुत ज्यादा पुट करते हो और रिजल्ट बहुत कम निकलता है ना के बराबर और एक ऐसा पॉइंट आता है उस एक्स एक्सेस वाई एक्सेस पे कि जहां पे हाँ इन्फेक्शन पॉइंट कि जहाँ पे आप हार्डवर्क बहुत कम पुट करने लगते हो थकार के हाँ। और अचानक से रिजल्ट रिजल्टी सिक्सटी आउट ऑफ एटी बने लगे थे और उसके बाद फिर बोर्ड एग्जाम दिया बोर्ड एग्जाम फिजिक्स केमिस्ट्री में तो सर बोर्ड एग्जाम तक मेरी स्थिति बहुत खराब थी जब सर मैंने जनवरी का अटैम्प दिया थर्टी फर्स्ट तारीखेंट आ रही थी सर मेरी आई थी सेवेंटी टू परसेंट आई तो सर इतनी बुरी ये तो मुझे भी नहीं पता था यार आज रिवील हो रहा है कि तेरी 72 परसेंटाइल आई थी जनवरी में हाँ सर जनवरी में मेरी 72 परसेंटाइल थी फिर थी और वहां पे आने के बाद सर लगा था कि एक्चुअली इस साल तो कुछ नहीं हो सकता मैंने मैंने तो अपने मेंटर सर को बोला भी था आदित्य सर को कि मैं इस, साल, इस साल वाले मेंटर जा देते हा, हा, उनको कि मैं तो इस साल के लिए आ ही नहीं रहा मुझे तो अगले साल ही देना है इस साल तो मैं ऐसी मजाक में दूंगा अपना पेपर तो उसके बाद फिर ऐसा हो फिर मैं पेपर देके आया फर्स्ट को बहुत डिमोटिवेट था बट सर मैं फिजिक्स एग्जाम में फेल हो गया था अपने प्री बोर्ड के अच्छा और स्कूल अलग की तरफ से प्रेशर था कि अगर एडमिट कार्ड चाहिए तो लास्ट मौका तो मैं दे रहे हैं फिजिक्स में सा, बहुत सारे बच्चे मतलब और बच्चे भी फेल, फेल हुए थे तो उनको ही मौका मिल रहा था तो फिजिक्स का एग्जाम दे दो लास्ट और जिन जिन सब्जेक्ट में फेल हुए हो अगर पास हो गए तो एडमिट कार्ड मिल जाएगा नहीं तो नहीं मिल सकता तो वो था तो मेरे ऊपर एक उस चीज का बहुत बड़ा प्रेशर था तो मतलब थर्टी फर्स्ट को तो मेरे पास शोक मनाने का भी टाइम नहीं था को आया और आ, सोया दो तीन घंटे उसके बाद फिर लग गया अपने फिर जिसका वापस से फार्मूला वगैरह डिवाइस करने में करने में और फिर उसके बाद स्कूलिंग मतलब स्कूल में गया चार पांच तारीख को और मैंने अपना फीस का पेपर दिया आ, पासिंग मार्क्स आए किसी तरीके से और मैंने अपना एडमिट कार्ड लिया और उसके बाद सर आ, एक सर आ, मैंने बैठ के सोचा कि कैसे कर सकते हैं क्या तरीका है क्योंकि मेरे पास अब कोई ऑप्शन बचा नहीं है इस टाइम पे तो उसके बाद फिर मेरे माइंड में एक आइडिया आया कि कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट तो मुझे आता है या नहीं आते कुछ कॉन्सेप्ट आते हैं कुछ कॉन्सेप्ट नहीं आते hmm. और ना मुझे यह पता है कि क्वेश्चन जेई ही के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए कौन से कॉन्सेप्ट मुझे आने चाहिए क्योंकि hmm. जो आते हैं उसके ऊपर तो क्वेश्चन आ नहीं रहे hmm. शायद hmm. या जो आ रहे हैं वो मैं पहचान नहीं पा रहा hmm. तो ऐसी चीजें आ रही है तो मैं क्या करूं तो फिर मैंने ये अप्रोच बनाया कि अब कम टाइम में मैं क्या ही कर सकता हूँ कम टाइम में मैं बस क्वेश्चन सॉल्विंग कर सकता हूँ तो जेई के क्वेश्चन में सॉल्व करता हूँ और कौन से क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ सिलेबस से बिल्कुल रेड्यूसलेबस कहा मिलेगा इस साल ही मिलेगा ट्वेंटी सेवन को दो शिफ्ट हुए ट्वेंटी नाइन को दो शिफ्ट हुए थर्टी को दो शिफ्ट हुए थर्टी फर्स्ट को दो शिफ्ट हुए फर्स्ट फेबरी को दो शिफ्ट हुए सेकंड फेबरी को दो इतने सारे शिफ्ट हो गए अब पेपर की कोई कमी थोड़ी ना है सर क्वेश्चन की भी कमी नहीं है इस साल तो उसी को प्रैक्टिस इसी साल के तूने क्वेश्चन पेपर लगाना चालू ठीक हाँ। है और मेरा अप्रोच यही था कि जो क्वेश्चन हो जाए सो हो जाए और जो ना हो अपना कॉन्सेप्ट देखो अप्रोच देखो और कराओ कराओ ठीक है तो फेवरी में मैंने अपना एग्जाम के लिए प्रिपेयर किया बोर्ड एग्जाम ट्वेंटी टू को मेरा इंग्लिश का एग्जाम था 27 को केमिस्ट्री का दिया चार तारीख को फिजिक्स था और मेरी हिम्मत नहीं थी फिजिक्स एग्जाम देने की क्योंकि जो बंदा जो बंदा प्री बोर्ड ने फेल हुआ वो बोर्ड का एग्जाम क्या ही देगा बट मैंने बोर्ड के भी जेई का तो मैंने कुछ सोचा ही नहीं मार्च तक है, तो मैंने बोर्ड के ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाना चालू किया फिर देखा है कि मेरे स्कूल के पेपर में जो पेपर आए प्री बोर्ड वगैरह में और प्रीवियस जो बोर्ड के पेपर है ज्यादा कुछ तो है नहीं रेशियो वेशियो निकालने को आ रहे में से और ऐसे करके तो सिंपल ही है हर चीज का रेशियो वेशियो निकालने को तो उसके बाद क्या कहते फिर मैं समझा कि अच्छा ये चीज हो रही है उसके बाद जब फिज का पेपर दिया सर तो आप अगर इस बार का वो निकालोगे इंटरव्यू या तो फिजिक्स का पेपर बोर्ड में इस बार काफी टफ तो, आया आया था। आया था। के के हाँ। तो लेकिन उसमें मेरे 76 आ गई अच्छा बोर्ड हाँ, में 76 फिजिक्स में सौ में से सौ में से सर भाई और प्रैक्टिकल में तो सर मेरे फुल मार्क्स आए अच्छा तो ये है तो उसके बाद फिर मैं देखा है कि फिजिक्स का पेपर तो अच्छा चला गया फिर मैथ्स का पेपर और अच्छा चला गया केमिस्ट्री का पेपर तो अच्छा गया बट उसके लिए ज्यादा प्रिपरेशन की नहीं थी सर, एज यूजल केमिस्ट्री सर मुझे समझ में आती नहीं है वैसे तो ये है तो उसके बाद फिर ना, आ, नाइन्थ को मेरा मैथमेटिक्स का एग्जाम हुआ मैंने सोचा तो यार कि प्रीवियस सर क्वेश्चन तो सही मतलब ये मेरा अप्रोच तो सही है अपना वो जो एक्सपेरिमेंट था वो बोर्ड में मैंने कर दिखाया अब रिजल्ट आ बट था ये कि आ जाती फील आ जाती हो गया।, गया हो गया हो गया पास तो जाऊंगा तो दस तारीख से लग गया एक तारीख तक जेई मेन्स जेई मेन्स का वही अप्रोच मैंने फॉलो किया ठीक है और प्रीवियस क्वेश्चन किए और उन चैप्टर के भी किए जो चैप्टर मतलब मेरे वीक है और एक बेसिक आइडिया मैंने क्रैक कर लिया कि अच्छा इस चैप्टर से तो ऐसी बनते हैं अब न्यूटन लॉ ऑफ मोशन में क्या ही बन सकता है हाँ बैंकिंग ऑफ रोड को हटा दिया जाए हाँ तो उससे और कोई ढांसो क्वेश्चन नहीं बन सकता मोमेंटम का क्वेश्चन आ सकता है हाँ आ, ये आ जाए पे दूसरे पॉइंट पे ऑब्जेक्ट जा रहा है तो उसका वेलोसिटी निकालो ये निकालो वो निकालो वो सब डिफ्रेंशिएशन इंटीग्रेशन अपने को आता ही है तो एक बेसिक आइडिया लग गया वर्क पावर एनर्जी से भी बेसिक आइडिया ग्रेविटेशन से बेसिक आइडिया लग गया फ्लूड तो मैंने छोड़ ही दिया था सर क्योंकि कुछ नहीं समझ में आया मुझे आज तक नहीं समझ प्रिपरेशन करी आपने हाँ कैपेसिटी वगैरह का भी मुझे समझ में आ गया तो ऐसे कर करके मुझे आइडिया लग गया कि अच्छा यही से तो यही क्वेश्चन बन सकते हैं और फिर उसके बाद मैंने दो तारीख कॉमर्स का पेपर दिया आ, तीन तारीख को कोई बॉर्डर नहीं लिया अपने ऊपर क्योंकि तो था ही नहीं कि मैं तो था ही की सर मजाक करना है तो चार अप्रैल को फिर मैंने जे मेस का पेपर दिया और बिना एक्सपेक्टेशन के लेकिन सर दुख तो हुआ था क्योंकि जब मैं चालीस क्वेश्चन करके निकला था और एक बच्चे से पूछा कि कितना किया तो बोले मैंने चौवन क्वेश्चन किए मैंने बोला ये चौवन क्वेश्चन करके निकलना मैं तो फेल ही हो गया हूँ तो मैंने मान लिया था कि मैं फेल हूँ उसके बाद ऐसा था तो उसके बाद फिर और सर मैंने क्योंकि अपना कभी ब्लाइंड माना नहीं कभी पीडब्ल्यू कैटेगरी माना नहीं तो मेरा था कि कट ऑफ लानी है तो नॉर्मल लोगों के जैसे तो ही लानी, लानी है, है हाँ। नहीं तो वैसे पीडब्ल्यू कट ऑफ तो बहुत कम गया जीरो पॉइंट जीरो मैं तो अगर एक दो परसेंटाइल भी लाता मतलब एक क्वेश्चन भी कराता तो मैं तो बन ही जाता बट क्योंकि था कि मुझे कभी पीडब्ल्यू मैंने अपने को माना नहीं इस वजह से क्या कहते मेरे नाइनटी सिक्स परसेंटाइल बने इस बार

तो एक बार कम से कम एक्सपीरियंस लग जाए ये तो समझ में आ जाए कि मुझे अगले साल अगर मैं ड्रॉप भी लेता हूँ तो मुझे करना क्या है मेरा बेसिकली बस मेन मोटिव यही था और मैं बस कट ऑफ क्लियर करने के लिए मैं लड़ रहा था और कट ऑफ क्लियर करने के चक्कर में सर मैं यहां पहुंच पहुंच गया जाऊंगा मुझे पता <laughs> नहीं था मैंने देखा तेरा वो वीडियो अपने ईसरल गुरुकुल में तू अपने दोस्तों के साथ बैठकर रिजल्ट देखा था वो लोग इतने खुश हो रहे थे इतना प्यारा मोमेंट था ना वो हम सबके लिए मतलब इट वाज सो हार्ट वार्मिंग मतलब उसमें यार सच बता रहा हूँ कि नॉर्मल बच्चा भी नॉर्मल तो खैर तू भी है पर मैं उसको वर्ड्स में इन नहीं कर पा रहा कि 82 रैंक आई इस बार मैं ऑनेस्टली उसमें भी उतनी खुशी नहीं हुई जितनी तेरी 96.3 में हुई जी सर मतलब हमारे पूरे घर में 82 की चर्चा तो एक दो बार हुई पर तेरी चर्चा जब से लेकर अभी तक हो जा रही है हो जा रही है हो जा रही है तो इतना बड़ा इंस्पिरेशन है ना तो बच्चों के लिए तो बाद में पर हमारे सबके लिए पहले फिर और फिर इसकी जिद देखो आप जबरदस्ती जैसे तैसे पीछे पड़कर मेंटर के और श्रेयस सर के जो इसके काउंसलर हैं कोटा आ आई गए तूने उनको भी मना लिया कि नहीं मेरे को आना है ये करना है वो करना है पर यार मैं थोड़ा सा मोवमेंट ईसर की टीम को भी थैंक्स करने के लिए लूंगा बता हम लोग तो सपोर्टिव है ही बट वो लोग भी इस विजन के साथ इतने अलाइंड है कि जब ये बच्चा कोटा आया पूरा हॉस्टल ढूंढने की इसको पूरा सपोर्ट करने के लिए उन्होंने अपने चलते हुए काम को रोककर इसके लिए किया जबकि उस टाइम पे हमको नहीं पता था कि ये सिक्स परसेंट ले आएगा या ये कुछ कर लेगा ये कुछ हो जाएगा बट उन्होंने हर कदम पर तेरा यार बहुत सपोर्ट किया तो थैंक यू सो मच मैं पूरी इसरल की टीम को भी बोलना चाहूंगा जिन्होंने इसके मेंटर हो गए काउंसलर हो गए सब लोग और फिर उसके बाद तो जब ये गुरुकुल में आया तो सबने इस पर जान ही छिड़क दी जैसे मतलब सबकी आंखों का तारा यही बच्चा बन गया था चाहे डाउट के टीचर्स हो चाहे नॉर्मल टीचर्स हो तो यार थैंक यू सो मच ईसर की टीम को भी तो जैसे तूने बोला ना कि कोई एवरेज बिलो एवरेज पर भी ध्यान नहीं देता है जी सर अपने देश की यही हकीकत है सैडली यही हकीकत कि भाई किसी ने ओलंपियाड क्रैक कर लिया पक्का पता है ये ए आर वन वाला पोस्टर बन सकता है या टॉप टेन वाला बन सकता है तो जी सारे रिसोर्सेज इसको दे दो पर में हमने डे वन से यही कल्चर रखा था जी सर तेरे जैसे बच्चों के लिए ही, जो बिलो एवरेज है जो एवरेज है जो किसी परेशानी से जूझ रहा है हर परेशानी फिजिकल नहीं होती है मेंटल परेशानियां भी बहुत सारी होती है तेरे साथ तो दोनों है तो कि किसी बच्चे को यही मोटो है ये फील नहीं करवाना कि उसके साथ भगवान ने कोई इनजस्टिस किया है या वो कोई एक कम प्रिविलेज का बच्चा है हर बच्चे को यही फील करवाना है कि आप कर सकते हो भाई आप मेहनत तो करो और उसका सबसे बड़ा एग्जांपल यार आप हो आज जो मतलब आई थिंक ये जो हमारा इंटरव्यू है या पॉडकास्ट है जो भी आजकल जेनजी के ट्रेंड में चल रहा है कोई इसको पूरा देख लेगा ना तो उसकी जिंदगी बदल जाएगी मुझे ये पता है आज से किसी बच्चे के पास कोई बहाना नहीं बचा भाई लक्ष्मण कि वो क्यों नहीं कर सकता मैंने देखा यार बच्चे छोटी छोटी चीज में कंप्लेन करने लग जाते हैं अब तेरे को देखने के बाद कैसे कंप्लेन करेंगे कोई तरीका ही नहीं बचा फिर चल तेरा गुरुकुल का एक्सपीरियंस कैसा रहा वो बता सर गुरुकुल तो बहुत मतलब अच्छा लगा मुझे यहां पे मैंने कभी सोचा नहीं था कि कोटा जैसे शहर में मतलब इतना सपोर्ट करने के लिए लोग मिल जाएंगे कोई टीचर ऐसा नहीं इतने फ्रेंडली यहाँ पे एक, एक फनी बात बोलना चाहूंगा आज तक मैंने अपने लाइफ में मैथ्स के टीचर बड़े वैसे देखे हैं। मतलब कोई कोई टीचर बुरा मत मानिएगा हाँ। 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 तो हाँ। हाँ। बट अकड़ो टाइप के स्ट्रिक्ट जिसे टाइप का बट पे मैथ्स के टीचर इतने फ्रेंडली जैसे कि सब करा देंगे सब सब हलवा है कुछ नहीं होगा मैथ्स में तो मैथ्स के टीचर इतने फ्रेंडली मैंने लाइफ में पहली बार देखे और मैथ्स सर सब्जेक्ट ऑलरेडी इतना टफ है फिजिक्स सब्जेक्ट ऑलरेडी इतना टफ है टीचर भी जब टफ मिलता है ना सर तो बहुत बहुत तकलीफ है। होती है सर बहुत तकलीफ होती है यहाँ भी चीज़ का बहुत सुकून है सर जब आप पेपर देने जाते हो तो वहां पर पेपर कैसे देते हो आ, सर ऐसा है पेपर कि पेपर मतलब मैं देख नहीं सकता कंप्यूटर तो ऐसा है कि कोई और बच्चा मेरे लिए स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहा क्वेश्चन रीड करता है और क्वेश्चन और वो जो सिस्टम है वो ऑपरेट भी वही करता है Hmm. यहाँ पे मैं अलग इसलिए बन जाता हूँ या मेरी कंडीशन इसलिए अलग हो जाती है और ये चीज कोई नहीं समझ पाता एक्चुअली में कि अगर फॉर एग्जाम्पल मैं पैर से डिसेबल हूं hmm. या मैं हाथ से डिसेबल हूं तो मुझे सिर्फ ऐसा बंदा चाहिए होगा जो लिख सके पेपर पे, पे अपने स्क्राइब है? पे hmm. जो अपना स्क्राइब नोटबुक आता है जो अपना रफ शीट डी से बोलते हैं hmm. या स्क्रीन पर डिस्प्ले हुए क्वेश्चन तो मैं खुद ही देख सकता हूँ बट मेरे क्वेश्चन में राइटर एज वेल एज गुड रीडर चाहिए वो चीज मुझे प्रोवाइड बहुत सारी जगहों पे नहीं हो पाती मुझसे या तो कई बार खुद से मैनेज करना पड़ता है या तो मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रूल्स की वजह से मतलब दिक्कतें मुझे आ जाती है आई आई का एग्जाम हो चाहे जेई का एग्जाम हो उसको मैं सिंपलर वर्ड्स में पुट कर देता हूँ कि इसके साथ कोई एक बच्चा जो शायद इलेवेंथ क्लास तक ही पढ़ा हुआ है और जिसको साइंस की बेसिक नॉलेज है ना लक्ष्मण ये सर, है जी सर वो जाता है वो जो स्क्रीन पर क्वेश्चन लिखा हुआ है वो इसको रीड करके बताता है उसके बाद इस बच्चे को लक्ष्मण को सारी चीजें अपने दिमाग में कैलकुलेट करनी होती है क्योंकि वो जैसे मैं कल इसको एडवांस के सेंटर पर छोड़ने गया था तो कोई आपको जो ब्रेल वाला जो होता है कैलकुलेशन करने आ, का अलाउ नहीं, नहीं किया वो भी अलाउ नहीं, नहीं किया था तो हर कैलकुलेशन इसको अपने दिमाग में करनी पड़ती है उसका आंसर निकालना पड़ता है उसके बावजूद नहीं दिखने के बावजूद सामने वाले पर्सन पर हंड्रेड परसेंट डिपेंडेंट होने के बावजूद और कोई टूल नहीं है जिससे ये पेन चलाकर ऑब्वियसली कैलकुलेट नहीं कर सकता उसके बावजूद ये बच्चा 96.33 परसेंट है लेकर आया और ये एडवांस में भी कुछ बहुत अच्छा करेगा नहीं भी करेगा कोई फर्क नहीं पड़ता मैंने इसे पूछा भी नहीं एक बार भी इसका पेपर कैसा गया ना मैं पूछूंगा क्योंकि इसरल में हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है ही इज ऑलरेडी मच मोर क्वालिफाइड और बड़ा चैंपियन देन ए या कोई भी आप ले लो कोई भी, अभी कुछ हो तो उस स्ट्रगल के बावजूद उस कमी के बावजूद ये बच्चा 96.3 सिक्स परसेंट लेकर आया सिंपली पुटिंग साढ़े तेरह लाख जेई का बच्चा जो देख सकता है जिसके पास सारी सुविधाएं हैं वो इसको बीट नहीं कर पाया इनफैक्ट 13.6 तेरी कितनी रैंक आई थी जेई मेंस में सर कैटेगरी रैंक आई थी मेरी सेवेंटी फिफ्थ से और ऑल इंडिया रैंक ऑल इंडिया रैंक आई थी अप्रॉक्सिमेटली फिफ्टी सेवन थाउजेंड टू हंड्रेड तो चौदह लाख बीस हजार करीब बच्चों ने एग्जाम दिया था तो तेरह लाख साठ हजार से ज्यादा बच्चा आज लक्ष्मण से पीछे है ये इसकी ताकत है

भारत की सबसे इंस्पिरेशनल जर्नी मतलब जिंदगी में अगर आपने इसको ध्यान से देख लिया सुन लिया तो फिर कभी कोई मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी कभी आपके अंदर डिसिप्लिन की कमी नहीं होगी मेरे अंदर तो नहीं होने वाली अब हमारा पर्पज और बड़ा बन गया कि हर वो बच्चा जो आज भारत में परेशान है किसी भी कारण से ये फिर से प्रूव हो गया फॉर द इंफिनिट टाइम कि उसके अंदर इतना पोटेंशियल है कि वो कुछ भी कर सकता है अपूर्व जब अंतरा 15 से, से 99 आई। फिर लोगों ने बोला चलो लाया था गलती से आगे होगी कारवा चलता जा रहा है और मेरे को आज पहली बार पता लगा कि ये बच्चा भी सेवेंटी से नाइनटी का जम मार कर बैठा है तो इसने ढाई महीने में इतनी पढ़ाई कर ली कि ये ऑलमोस्ट तीन लाख रैंक तू कर ली है ढाई महीने की पढ़ाई में विच इज फिनोमिनल तो यार मैं तो भगवान से यही प्रार्थना करूंगा कि हर वो बच्चा जो मेहनत करना वाला है जो मेहनत करना चाहता है जिंदगी में कुछ बनना चाहता है हो सकता है वो एयर वन ना ला पाए हो सकता है वो टॉप हंड्रेड के रैंक लाकर हमारे लिए पोस्टर नहीं बन पाए पर हर वो बच्चा जो जूझ रहा है आज वो ईसरल में भगवान उसको भेजने की हमारे साथ कृपा करें उसको रास्ता दिखाएं कि वो ईसरल में जाए ताकि यार हम कुछ ना कुछ कर कर उस बच्चे के लिए कुछ पर कर पाए और वो बच्चा इन रिसोर्सेस को यूज कर जैसे लक्ष्मण आज कुछ बनाए अभी तो ये इतनी लंबी जर्नी है इसकी हम इसका नाम सुनते रहेंगे वैसे ही वो बच्चे भी बन पाए ठीक है तो थैंक यू सो मच लक्ष्मण इतना टाइम देने के लिए और इतनी बढ़िया बात बताने के लिए और इतनी मेहनत करने के लिए और करोड़ों का इंस्पिरेशन बनने के लिए और आगे कोई भी तेरे को जरूरत हो इस तरह तेरे साथ खड़ा है वी आर ओनली वन फोन कॉल अबे फोन मिला लेना किसी को भी अः कुछ भी पूछना है कुछ करना है और हम यही प्रार्थना करेंगे कि ऐसे ही अब जिंदगी में आप और सक्सेसफुल 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 बनते जाओ थैंक यू